प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी के गड़वाघाट आश्रम में हुआ भव्य स्वागत, रुद्राक्ष की मालाएं पहनाकर किया गया अभिनंदन। मोदी ने आश्रम की गौशाला में गायों को गुड़ और हरा चारा खिलाया। आश्रम में विवेकानंद जी महाराज की प्रतिमा पर पीएम ने किया पुष्पार्पण। 1 करोड़ से ज्यादा हैं आश्रम के अनुयायी। आश्रम में मोदी रवाना, रोहनिया में आज अब से कुछ देर बाद होगी रैली। रैली से पहले मोदी लाल बहादुर शास्त्री के पैतृक निवास भी जाएंगे और देंगे श्रद्धांजलि। आज बनारस में होने वाली मुख्यमंत्री अखिलेश और राहुल की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी गई। बीजेपी नेता और भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी और रवि किशन की जिम में दिखी जुगलबंदी, कांग्रेस एसपी पर किया वार। आज शाम 5 बजे 7वें चरण के लिए थम जाएगा चुनाव प्रचार। 8 मार्च को 7 जिलों की 40 सीटों पर वोटिंग। यूपी में कैबिनेट मंत्री और अमेठी से विधानसभा प्रत्याशी गायत्री प्रजापति रेप केस में सुप्रीम कोर्ट से नहीं ले पाए राहत, गिरफ्तारी की तलाश में दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम। क्या नोटबंदी पर वित्त मंत्री से मशवरा हुआ था? सूचना के अधिकार के तहत पूछे गए सवाल का जवाब देने से वित्त मंत्रालय ने किया इनकार। हरियाणा में सस्ती शराब के दिन लदे, नई आबकारी नीति के तहत वैट आबकारी शुल्क लाइसेंस फीस बढ़ने से कीमत बढ़ने की उम्मीद आशंका। तृणमूल कांग्रेस केंद्र सरकार के फैसले पर संसद में करेगी सवाल, स्कूलों में दोपहर के भोजन योजना को आधार कार्ड से जोड़ने का निर्देश। सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, मोदी सरकार बढ़ा सकती है 2% डीए। कोटा में जनता के लिए एयरपोर्ट की मांग पर बीजेपी विधायक भवानी सिंह हुए बागी, बोले अब यहां हवाई अड्डे पर नहीं उतरने देंगे वीआईपी प्लेन, चाहे वो पीएम का ही क्यों ना हो। अभी सवाई से पहले वीआईपी प्लेन नहीं उतरेगा, चाहे देश के प्रधानमंत्री का हवाई जहाज भी आए तो इस कोटा के हवाई अड्डे पे नहीं उतरेगा। बीजेपी विधायक ने केंद्र सरकार पर लगाया आरोप, कहा जरूरत एयरपोर्ट की थी लेकिन सुषमा ने पासपोर्ट ऑफिस देकर किया खुश, सचिन पायलट की तारीफ। राजस्थान के नागौर में बीजेपी विधायक श्रीराम भींचर के सामने आई दादागिरी, बिना टोल दिए पार करवा दी 50 गाड़ी। बीजेपी विधायक ने टोल प्लाजा कर्मचारी को दिया धक्का, कैमरे में कैद हुई तस्वीर। बहराइच के विशेषरगंज में बेहद दरिंदगी भरी वारदात, अवैध संबंध के शक में एक महिला को महिलाओं ने केरोसिन डालकर जिंदा चला दिया। चंदौली में यात्रियों से भरी बस ने खड़े ट्रक में मारी टक्कर, एक महिला की मौत, 12 घायल। अमरोहा पुलिस ने बरामद किया शराब का जखीरा, 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। ओडिशा के अंगुल में हॉरर किलिंग, एक भाई ने बहन की हत्या कर दी, बहन अपने बेटे को भाई की बेटी की शादी करने की दे चुकी थी मंजूरी। दिल्ली के गांधीनगर में कारोबारी की गोली मारकर हत्या, पुलिस को लूटपाट का शक। दिल्ली के मियावाली में मर्सिडीज ने मारी स्कूटी को टक्कर, स्कूटी सवार 17 साल के अतुल की मौत। बुलंदशहर में बारात लेकर पहुंचे शराबी दूल्हे ने की 20 लाख की मांग, दुल्हन ने किया शादी से इनकार, वर पक्ष ने शादी का खर्च लौटाकर छुड़ाई जान। पटना में अवैध संबंधों के आरोप में महादलित समुदाय के युवक और युवती को सर मुंडाकर गांव में घुमाया, रिश्ते में है देवर भाभी।
महाराष्ट्र के सांगली में गर्भपात करने वाले डॉक्टर का भंडाफोड़, पुलिस के पहुंचने से पहले फरार हुआ डॉक्टर। झालावाड़ में पुलिस ने 65 पेटी अवैध शराब की जब्त, दो शातिर बदमाश भी गिरफ्तार। बिहार में भोजपुर पुलिस हिरासत में, युवक की मौत पर जबरदस्त हंगामा, गुस्से में भीड़ ने बड़हरा थाने में जलाई गाड़ी। भीड़ ने बड़हरा थाने में खड़ी तमाम फोर व्हीलर और बाइक को आग के हवाले किया, पुलिस पर किया पथराव। भोजपुर पुलिस को हंगामे पर काबू पाने के लिए करना पड़ा बल प्रयोग, कई लोग हिरासत में लिए गए। दरभंगा के एसबीआई